दिल के आसमान पे गम की घटा छाई, आई याद आई, तेरी याद आई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मायसेल्फ मिस्टर संतोष फ्रॉम नवीनगर नवादा। मेरे दोस्त, कैसा लगा मेरा गाना? अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे। ओके, चलिए तो मैं याद फिर वॉइस लेकर आया हूं, वॉइस पार्ट सिक्स। वॉइस पार्ट सिक्स देखिएगा क्या मैं पढ़ा रहा हूं, देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट एंड मॉडल परफेक्ट, मॉडल परफेक्ट। हाँ गाइस, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल परफेक्ट देखिएगा, दोनों एक ही है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है शैल विल हैव प्लस वी थ्री, और मॉडल परफेक्ट का मतलब होता है कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट आउट नीड। इस तरह से जितने भी मॉडल हैं आपको कुल मिलाकर 10 मॉडल में आएंगे, मॉडल परफेक्ट कहते हैं। देखिए परफेक्ट का मतलब होता है प्लस वी थ्री, जान लीजिएगा। जब भी परफेक्ट की बात होगी ना तो हैज प्लस वी थ्री, इसका मतलब होता है परफेक्ट। ओके गाइस, तो आप देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, हमें देखिएगा स्ट्रक्चर के माध्यम से करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ये है आपका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, जो कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट भी आ गया है क्योंकि सेल्विल भी है और मॉडल भी है 10, क्योंकि 10 मॉडल में दोनों आ जाता है, फ्यूचर भी सेल्विल भी आ गया और बाकी सब आ गया, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। देखिएगा अगला, अगर इसका हम पैसिव फॉर्म करते हैं तो देखिएगा आपको पूर्व भांति पता है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी वेरी ओल्ड रूल। ओके, तो मैं ऑब्जेक्ट यहां लाऊंगा मेरे बच्चे, है ना दोस्त, क्या लाऊंगा? ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट लाया मैं, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल आएगा। चलिए मॉडल लिया, प्लस है प्लस बीन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट यानी सब्जेक्ट, है ना, यही तो स्ट्रक्चर है आपका, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, अभी मैं बिताऊंगा फिर आगे अगला देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इधर है इसका एग्जाम्पल, यानी जो मैं दिया अभी इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए इधर है आई जम आई सैल है आई सैल हैव सोल्ड द हाउस। मैं एग्जाम्पल लिया आई सैल हैव सोल्ड द हाउस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट या मॉडल परफेक्ट भी कह सकते हैं इसे। फ्यूचर परफेक्ट सेल विल हैव प्लस विथ मॉडल परफेक्ट सेल विल इनपुट सेल है ना आ सकता है। तो आपको एक्टिव वॉइस का मैं एग्जाम्पल लिया, इसका पैसिव करेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल आसानी से होगा। आप द हाउस को क्या लाओ? द हाउस को ऑब्जेक्ट है ना, तो द हाउस लाया मैंने, है ना, द हाउस। आप देखिए शायद तो द हाउस थर्ड पर्सन सिंगुलर विल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल विल लगेगा, है बीन सोल्ड बाय मी। ओके, आगे लेते हैं मॉडल परफेक्ट का एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। एक्टिव वॉइस ही कैन हैव सोल्ड द हाउस, ठीक है, मैंने कैन क्या चेंज किया केवल, है ना, कैन देखिएगा द हाउस कैन हैव बीन सोल्ड
बाइन, इस तरह से इसका पैसिव फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है ना। तो आगे कुछ होमवर्क भी बनाना चाहिए हमें, है ना। देखिएगा इस तरह से आप बहुत सारा बनाइएगा, है ना। तो ठीक है, अल्पकालीन विदा जा रहा हूं और मैं भी, ठीक है। तो मिलता हूं, जय हिंद, जय भारत।